भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता में सक्रिय बिचौलियों को दूर करने की सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बहुत समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह पर बैठे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद ने मंच से दी गई अपनी सलाह फिर दोहराई और सफाई देते हुए कहा, मैंने किसी को नसीहत नहीं दी बल्कि मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, जिस तरह केंद्र और प्रदेश सरकार ने पर्यावरण जल शुद्धिकरण का अभियान हाथ में लिया है और इसके तहत सभी अवरोधों को दूर किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से है लेकिन जैविक रूप में दैनिक जीवन में भी शुद्धिकरण की जरूरत महसूस होती है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं, उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है, इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया।